हेलो फ्रेंड्स, मैं राज शर्मा। आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा, उसमें मैंने बताया था माइक्रोमीटर के पार्ट्स और लिस्ट फॉर्म कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं, माइक्रोमीटर को जब भी यूज में लेना है तो उससे पहले आपको उसकी जीरो एरर त्रुटि को चेक करना है। जीरो एरर त्रुटि को कैसे चेक करना है? सिलिप का जीरो और थिम्बल का जीरो दोनों मैच होने चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद आपको माइक्रोमीटर काम लेना है। तो माइक्रोमीटर को आपको यूज में लेने के लिए जॉब की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि जॉब और माइक्रोमीटर कैसे चाहिए रीडिंग लेते हैं। आइए दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा जॉब है और ये हमारा माइक्रोमीटर है। इसका लिस्ट फॉर्म 10 माइक्रोन है और इसको रेंज 0 से 25 mm है। ये साधारण माइक्रोमीटर है। तो दोस्तों, इसका स्लीव का डिवीजन और थिम्बल डिवीजन, तो दोनों को मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ कैसे लिया जाता है। दोस्तों देखिए, तो ये स्लीव डिवीजन है। स्लीव में आपको 25 mm तक के होता है। तो इसमें आपको 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm। इसमें दोस्तों आपकी स्लीव का मेन स्केल 9 mm में दिख रहा है, तो इसका मेन स्केल हो गया 9 mm। तो दोस्तों, इसका सब डिवीज़न देखेंगे तो सब डिवीज़न में आपको देख पा रहे हैं, तो इसका एक खाने का मान 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। इसके बाद दोस्तों इसमें नहीं दिख रहा, इसलिए सब डिवीज़न नहीं दिया, जब जीरो है। तो दोस्तों, इसके बाद हम थिम्बल डिवीज़न देखते हैं। तो थिम्बल डिवीज़न में हम ये देखते हैं कि जो हमारी स्लीव की डेटम लाइन है और थिम्बल की जो लाइन मैच खाती है, तो वो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि 15 वाली लाइन हमारी मैच खा रही है। तो दोस्तों, हमारी रीडिंग आप देखते हैं तो 10 है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। तो दोस्तों, 15 mm की मैच खा रही है, तो इसका मतलब थिम्बल डिवीज़न हमारा 15 है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए देखिए। तो हमारे रीडिंग पढ़ने के लिए एक फॉर्मूला है। तो दोस्तों, रीडिंग पढ़ने के लिए फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस सब डिवीजन रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। तो दोस्तों, इसका लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन है, तो इसलिए मैंने आपको 10 माइक्रोन लिख दिया। तो MSR मेन स्केल रीडिंग 9 mm, STR सब डिवीज़न रीडिंग, तो दोस्तों 0 आई थी 0, और TSR थिम्बल स्केल रीडिंग 15, तो 15। तो दोस्तों, मैं इसको निकालूंगा और इंटू डिस्काउंट 10 माइक्रोन, तो 9 mm प्लस 0, तो 0 तो रहने दो 0, और TSR 15 इंटू 10 0.150। तो दोस्तों, इसकी रीडिंग 0.519। तो दोस्तों, इसकी रीडिंग माइक्रोमीटर की हमारी ये रीडिंग निकल जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपको दूसरी एक रीडिंग और दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख पिक्चर के माध्यम देख पा रहे हैं, इसमें हमारी रीडिंग हम देखेंगे हमारे मेन स्केल। तो मेन स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये दोस्तों हमारा मेन स्केल की रीडिंग 6 mm, और सब डिवीज़न देखेंगे तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 और 6.5। इसमें दोस्तों सब डिवीज़न हमारा 6.5 का दे रखा है, तो हम इसको 6.5 सब डिवीज़न। तो दोस्तों, अब इसका थिम्बल डिवीज़न चेक करेंगे, थिम्बल डिवीज़न चेक करेंगे तो देख दोस्तों देखिए, इसका स्लीव का डेटम लाइन और थिम्बल डिवीज़न की लाइन कौन सी मैच कर रही है। तो दोस्तों, हम पिक्चर के माध्यम देख पा रहे हैं, ये देखिए 35 के बाद 36 और ये 37। तो हमारी 37 की लाइन इस स्लीव की डेटम लाइन से मैच कर रही है, तो 37 इसका थिम्बल डिवीज़न हो गया। तो दोस्तों, इसकी रेटिंग हम पढ़ते हैं, देखिए। तो मेन स्केल रीडिंग 6 mm की आई थी दोस्तों, और सब डिवीज़न रीडिंग हमारी 0.5 mm आई थी, और थिम्बल स्केल रीडिंग 3.7 इंटू लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन। तो दोस्तों, इसकी रीडिंग को हम पढ़ेंगे 6.0 प्लस इसकी सब डिवीज़न रीडिंग 0.5 और थिम्बल स्केल रीडिंग 3.70। तो दोस्तों, इसको जोड़ने में 0.786। दोस्तों,
इस प्रकार 65870 mm इसकी रीडिंग आई है दोस्तों। इस प्रकार माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़ी जाती है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू।